तो आप लोग तैयार हो जाएं टॉपिक को समझने के लिए, याद करने के लिए, लिखने के लिए। टॉपिक का नाम है मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत। मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यह उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत ही है। लेकिन हम आपको इसको 13 नंबर में डाल दिए हैं और इसको 14 नंबर में। लेकिन आपको ये टॉपिक मिलेगा मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में ही। तो याद करके सुनाने में सुविधा होगा आपको, मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत। तो क्या है मैक्सवेल का बंटन सिद्धांत, उसके बारे में लिखेंगे। मैक्सवेल के बंटन सिद्धांत, मैक्सवेल के बंटन सिद्धांत, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार कॉमा बहुत उच्च ऊर्जा वाले अणुओं का अंश बहुत ही न्यून होता है। ये लिखेंगे। क्या है मैक्सवेल के बंटन सिद्धांत कि बहुत निम्न और बहुत उच्च ऊर्जा वाले, या तो बहुत निम्न होंगे या बहुत उच्च ऊर्जा वाले अणुओं का अंश बहुत ही न्यून होता है। इस बात को लिखेंगे आप लोग। बहुत ही उच्च और बहुत ही न्यून होता है, लिख लिए। YouTube पर देखेंगे साफ दिख रहा है। ये बताएंगे साफ दिख रहा है, यहां तो नहीं दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है YouTube पर साफ, बताएंगे? नहीं दिख रहा ना, क्या हो गया?
अब ठीक हो गया। अब ठीक है। अब ठीक है, साउंड देख लेंगे, साउंड ठीक है कि नहीं। अब हम लोगों का गड़बड़ हो गया। आपका गड़बड़ हो गया। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया सर। आपका आवाज धीमा रहा। डॉक्टर का नंबर वंबर है कि सेंड करें? किसका ना है, तुम अपने पास रखो, तुमको काम आएगा।